जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने 10 मार्च को होने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना को संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है, जिसके लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके ब्रीफ किया गया है। मतगणना स्थल व गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में न आ सके। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम का 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। कल काउंटिंग एजेंट व प्रेक्षक के सामने सकुशल मतगणना संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में ईवीएम से काउंटिंग के लिए 14 टेबल लग रहा है और पोस्टल बैलेट के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 या अधिकतम 4 टेबल लगाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हल्ला कर रहे थे आप? मतलब ड्यूटी पास वाला और वो कुछ जैसे हमारा वो समाजवादी जो टेबल लगे हैं हमारे जो पोस्टल पहले से, तो 500 के एक टेबल लगा है क्या? 500 होते हैं पोस्टल बैलेट के, हमने 4 लगाए हैं, ठीक है। टोटल हमारे 3000 वोट के आसपास आएंगे, हम लोग सारा पूछ के गए हैं। तो जो दूसरे जगह आए हैं, यहाँ पे आपके बैनर लग जाएगा, आपके साथ ही जो है वो सारा बताएगा। 4 टेबल पीने के लगेंगे, 3 अभी हम एक बैनर लगवा देंगे, इसके 2 टेबल लगवाएंगे, सारे मिला के 3000 वोट पड़ जाएंगे। उस 3000 वोट का ही भाग आएगा जब आप भाग दो 500 के, यही माना के माना की है कि आप 500-700 जो भी मैनेज हो सकते हैं। जब हम पीवी की काउंटिंग करने लगते हैं तो 3 घंटे में एक आदमी 500 वोट जितना काउंट कर लेता है, क्योंकि पीवी आसान है। जब ईटीपीपीएस करते हैं तो उसका जो 13C और 13A का स्कैनिंग है वो स्कैन करके कंप्यूटर पे ओके होता है, तो उसमें समय लगता है, इसलिए उसको 300 वोट काउंट करने में 5 घंटे लगता है। प्रवीण, ये जो आप टेप लगा रहे हो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स, वहाँ क्यों नहीं लगा खचनी में? लगवाना है, ठीक है। एक गैलरी से दूसरे गैलरी में नहीं जाएगा? हाँ, लोग पकड़ो भाई, आप लोग उस साइड से ले जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा, इधर पीछे से क्या होगा? देखा सभी घर जो लोग हैं और जो है एक टेबल को
काउंटिंग हॉल के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे माननीय आयोग के निर्देशन क्रम में की जा रही हैं। सभी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स और सभी को ब्रीफ किया गया है, सारी बारीकियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, 3-टायर सिस्टम में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। यहाँ लगातार CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है, वीडियोग्राफी लगातार हो रही है, सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर दी गई हैं। कल सुगम व्यवस्था के साथ काउंटिंग एजेंट्स के सामने, माननीय प्रेक्षक गण के सामने अच्छी व्यवस्था के साथ कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 14 EVM काउंटिंग के लिए टेबल लग रहे हैं और जहां पोस्टल बैलेट की संख्या अनुसार मान्य आयोग के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 पोस्टल बैलेट के लिए टेबल, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पोस्टल बैलेट प्राप्त होते हैं उसके लिए भी स्कैनिंग के लिए और उसकी गणना के लिए टेबल्स तैनात किए जा रहे हैं और व्यवस्था माननीय आयोग के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। सर, अभी तक क्या किसी पार्टी के प्रत्याशी या किसी पार्टी के द्वारा कोई शिकायत की गई है आपको? नहीं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें वीडियोग्राफी और उनकी निगरानी के समक्ष ही हो रही है और उनकी जो भी जिज्ञासा है उनको त्वरित रूप से निस्तारण भी किया जा रहा है। ठीक है।